बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि जो पिछले दो दिन के अंदर में जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो लेटर जारी किया गया उससे काफी हमारे जो अभ्यर्थी हैं काफी मायूस हैं, और मायूस होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो सरकार ने जो सर्टिफिकेट जांच करने की जो बात कही है उसमें काफी लंबा समय लगने की उम्मीद, तो हमें लगता है कि ये जो विषय है जो जांच करने की या तीसरे चरण की काउंसलिंग करके जारी करने की, ये दोनों चीज अभी असमंजस में है। लेकिन आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन आपको पता होगा कि जनता दरबार वहां लगता है और उसमें शिक्षा विभाग के सारा पदाधिकारी लोग मिलते हैं, तो आज हमारी कोर टीम के वरिष्ठ पदाधिकारी भी सचिवालय गए थे, क्योंकि मैं नहीं जा पाया था, मेरा कुछ निजी व्यस्तता थी और जिसके कारण हमें समय नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमारे कोर टीम के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो आज सचिवालय गए थे और प्रधान सचिव से उनकी बात भी हुई है। मुझे डायरेक्ट उन लोगों से तो बात अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे पता चला है कि वहाँ शायद प्रधान सचिव जी ने ये कहा है कि मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट का हम जांच करवाएंगे अभी, और उसके बाद में हम उसका टाइम बाउंडिंग के लिए 1 से 2 दिन में हम उसका लेटर भी जारी करेंगे कि हम कब तक इसको करा लेंगे। 1 महीना का बता रहे हैं, 1 से 1.5 महीना के अंदर में हम सर्टिफिकेट का जाँच भी करवा लेंगे मैट्रिक और इंटर के आधार पर, और उसके बाद में टाइम बाउंडिंग के लिए 1 से 2 दिन में लेटर भी हम निकाल देंगे कि कितने दिनों हम करेंगे। तो अगर प्रधान सचिव जी या शिक्षा मंत्री जी इस पर तत्पर होकर के काम करें, अमल करें, जो बात वो कहते हैं उस पर अमल करें, तो हमें लगता है कि बहुत जल्द ये सर्टिफिकेट का जांच भी हो जाएगा और तीसरे चरण की काउंसलिंग भी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर वो बोल रहे हैं, क्योंकि हम तो डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा जो जो बातें कही जा रही हैं उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने कहा है तो एक अच्छी बात है, और लेकिन इसको अमल किया जाए। कहने और करने में तो अंतर होता है, तो जो बातें आप कह रहे हैं कि मैट्रिक इंटर को जाँच कराएंगे और उसको जल्द से जल्द कराएंगे और उसके लिए टाइम बाउंडिंग के लिए हम लेटर निकालेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन इसको अमल करें, अमल करें प्रधान सचिव, और जब अमल करेंगे तब हम मानेंगे कि आपकी बात जो है वो सही है, अभी हम उसको सही नहीं मान सकते। जब तक वो अमल नहीं करेंगे, इसका डेट नहीं जारी करेंगे कि हाँ कब तक हम करेंगे, और ये सारी चीजों को जब तक लिखित लेटर में जारी करेंगे तब तक हम विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके स्थिति है, ये लोग बोलता क्या है करता क्या है अभी पता ही नहीं चलता, तो कम से कम वो करें इस पर, अमल करके दिखाए, तब हम इस पर विश्वास करेंगे। और हमें लगता है कि अगर इस पर सरकार अमल करेगी तो अभ्यर्थी के हित में होगा, अभ्यर्थी काफी परेशान है, ये मुझे कहना है। जी सर, काउंसलिंग को लेकर के खास करके जो जिनका काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नियुक्ति पत्र सरकार बांट दे, हमारा काउंसलिंग वैसे के वैसे ही रह जाए, इस तरह का भी कॉमेंट आता है, फोन आता है, इसके ऊपर मैं आपको क्या कहना है? देखिए, मेरे पास भी बहुत से कॉल आते हैं, जो काउंसलिंग जिनका नहीं हुआ वो भी हमारे पास कॉल करते हैं, और जिनका नियुक्ति पत्र चाहिए उनको उनका भी कॉल आता है। अब मुझसे पूछिएगा तो मैं क्रोध में हूँ इस समय, और क्रोध में हो सकता है कि मेरे मुंह से बहुत चीज बात निकल जाएगा, बहुत लोग उछल कुछ करने लगेंगे कल से, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, जहां पर स्वार्थ टकराएगा वहां पर कलह शुरू हो जाता है, और जहां पर स्वार्थ नहीं टकराएगा, जहां पर सबके हित की बात होगी, वही काम होता है और होते आया है अभी तक। और मैं इसके लिए कुछ बात इसलिए कह रहा हूं कठोर शब्दों में कि सबको इसमें हड़बड़ी है, नियुक्ति पत्र मिलना भी हमारे लिए बहुत हड़बड़ी है कि बहुत जल्द मिलने, और जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है उनको भी हड़बड़ी है, और दोनों को हड़बड़ी में जो है सरकार उसका मौका का फायदा उठा रही है। सरकार समझ ली कि लोग आपस में लड़ गया, झगड़ गया, अभी लोग एक जगह एक संगठन संचित होकर के हमारा विरोध नहीं करेगा, तो सरकार अपने मन से हिसाब करना शुरू कर दिया, तब इसमें दुख लगने की क्या बात है? नियुक्ति पत्र जल्दी मिलना चाहिए, उनको भी जल्दी मिल गया नियुक्ति पत्र, और जिनको काउंसलिंग नहीं हो रहा तो उनका काउंसलिंग भी हो गया, दोनों काम हो गया, तब अब इसमें नाराजगी किस बात की है? हम तो कह रहे हैं कि दोनों आदमी आप लोग खुश हो जाइए, आप लोग को यही चाहिए था तो हो गया,
और सरकार आपको सारी नस को पकड़ ली। अब हम बोलेंगे तो बहुत लोग उछलेंगे कल कि क्या बोल दिए, क्या क्या वीडियो में बोलते रहते हैं, लेकिन हमें बहुत क्रोध है। हम बार बार कहते हैं कि जब तक एक होकर के काम हुआ तभी कोई काम हुआ, और जिस दिन हम अलग होकर के काम करेंगे वो कोई काम नहीं हुआ। अब 2018 की मैं बात आपको बता रहा हूँ, 2018 में जो कई भी संगठन बिहार में था और आपस में लड़ झगड़ करके अपने में लोग लड़ते रहता था, लेकिन जिस दिन उनको महसूस हो गया कि जब तक हम एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक हम नई सरकार को जीत पाएंगे, तब लास्ट में अंत में सब लोग मजबूर होकर के आया था, कोई मन से नहीं आया था जी। मैं आपका वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, सब लोगों के साथ मजबूरी हो गई तब जाकर के एक मंच पर आने के लिए स्वीकार किए, और जब एक मंच पर 10 जून 2019 को आए तब जाकर के ये बहाली खोली। और नीतीश सरकार को भी हम लोगों से टाइम मांगना, हम लोग उनसे टाइम मांगने जाते थे तो नीतीश सरकार को हम लोगों से 48 घंटा का मोहलत लेने की जरूरत पड़े, लेकिन आज क्या हो गया, आज अगर नियुक्ति पत्र हमें चाहिए, काउंसलिंग हमें चाहिए, आपस में लड़िए झगड़िए, लड़ झगड़ करके भी अगर आप लोग काम करा लेना चाहते हैं तो आप लोग को करिए आप लोग, लेकिन हम तो दोनों के साथ लेकर चलते हैं और आज भी चल रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से हमारे पास कॉल आते हैं। हम किसी को कहें कि ना हमको ये चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, ये तो राजेंद्र प्रसाद सिंह से कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। हम जब सब साथ में लेकर चलते हैं हम साथ में लेकर चलेंगे, अब इसके लिए किसी को दुख होगा, हम एक तरफा हमको मत बांटिए, हमको दो टुकड़े में मत करिए, हम जहां है हमको रहने दीजिए। अब आप लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, सोचिए जी, और हमको दुख इस बात का है कि आज सरकार मनमानी को उतर गई, यही सरकार थी कि डरे नहीं कुछ निर्देश नहीं निकाल रही थी, आज देख लिया आपस में लोग लड़ रहा है तो मौका से फायदा उठाओ, तो सबको तो हड़बड़ी है, गाड़ी छूट रहा है तो गाड़ी पकड़िए आप लोग, सब काम सरकार कर रही है तो आप काला बेचैन हो रहा है, आप खूब मिठाई बाकी है खूब खाइए आप लोग, आज अगर नियुक्ति पत्र हमें चाहिए, काउंसलिंग हमें चाहिए, आपस में लड़िए झगड़िए, लड़ झगड़ करके भी अगर आप लोग काम करा लेना चाहते हैं तो आप लोग को करिए आप लोग, लेकिन हम तो दोनों के साथ लेकर चलते हैं और आज भी चल रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से हमारे पास कॉल आते हैं, और हम किसी को कहें कि ना हमको ये चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, ये तो राजेंद्र प्रसाद सिंह से कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। हम जब सब साथ में लेकर चलते हैं हम साथ में लेकर चलेंगे, अब इसके लिए किसी को दुख होगा, हम एक तरफा हमको मत बांटिए, हमको दो टुकड़े में मत करिए, हम जहां है हमको रहने दीजिए। अब आप लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, सोचिए जी, और हमको दुख इस बात का है कि आज सरकार मनमानी को उतर गई, यही सरकार थी कि डरे नहीं कुछ निर्देश नहीं निकाल रही थी, आज देख लिया आपस में लोग लड़ रहा है तो मौका से फायदा उठाओ, तो सबको तो हड़बड़ी है, गाड़ी छूट रहा है तो गाड़ी पकड़िए आप लोग, सब काम सरकार कर रही है तो आप काला बेचैन हो रहा है, आप लोग खूब मिठाई बाकी है खूब खाइए आप लोग, मैं क्रोध में बोल रहा हूँ जी जी। जब कभी भी यहाँ पर बिहार में बांट दो, उसको बांटो, उसको अलग करो, उसको अलग करो, सब अलग कर दो, अलग करके तुम लोग विजय प्राप्त कर लोगे तो हम यहीं पर है, कोई के किसी को विजय प्राप्त नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, अंत में सब सब लोगों को मजबूर होकर एक मंच पर आना पड़ेगा। मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं बहुत चीजों को देखा हूँ मैंने जी, और वही चीज क्यों होगा तब जाकर के सरकार सुनेगी, सरकार को तो बाबाई हो गई, लड़ो झगड़ो तुम लोग, एगो के गुट बना दिए काउंसिलिंग वाला गुट, एगो के नियुक्ति पत्र वाला गुट तो बनो, लेकिन हमको मत आप लोग बांटिए, हम हाथ जोड़ते हैं, हम जहां हमको छोड़ दीजिए, हम दोनों को देखेंगे और दोनों को लेकर चल रहे हैं जी। हमको काले बात रहे आप लोग को जल्द, हमको जल्दबाजी नहीं है, आप लोगों को जल्दबाजी है तो जाइए आप लोग जो करना है, लेकिन हमको आप लोग बांटिए मत, हम दोनों को काम लेकर चलेंगे चलेंगे, इसीलिए हम इन चीजों को हम बोलना नहीं चाहते थे, कल से देखिएगा बहुत लोग को बक बक ही बढ़ेगा, क्या बोल देते हैं क्या नहीं लिखते, लेकिन बोलते हम परफेक्ट बात बोलते हैं जी। अरे भाई दोनों मिलकर के काम करोगे तब जियोगे, नहीं तो दोनों मरोगे, अब कोई नहीं बचाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, लिख लो हम लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं, एक होकर के रहोगे तभी कुछ काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक होकर के रहिए और एक होकर के काम करिए, इधर गुट बना के उधर गुट बना के उधर जाकर के कोई केस फाइल कर रहा है, उधर जाकर के सचिवालय में उल्टा पुल्टा लिख के दे रहा है, लिख के दीजिए, सबका काम हो रहा है, सबका काम हो जाएगा जी। केस से तो वैसे सर परेशानी है, आपका कल भी जैसे कि हेयरिंग हुआ उसमें भी फिर से डेट मिल गई है,
तो परेशानी तो आगे बढ़ती ही जा रही है खास करके देखा जाए। हम पूछते हैं कि कोई भी चीज का समाधान केस नहीं होता, अगर कोई दिमाग में रखे हुए कि हम केस करके ही मामला को सुलटा लें, तो आज तक बहुत केस हुआ और सब केस का क्या डिसीजन हुआ जो सामने है। जब कभी भी सरकार को ही करना है, सरकार ही करेगी, और सरकार को कैसे करवाना है उस पर विचार होना चाहिए। तो यहाँ तो मेरा और तेरा, मेरा होना चाहिए तेरा होना चाहिए यही चल रहा है। तो चलिए करिए आप लोग, उससे भी आप लोग को फायदा। अब तो सब लोग को वो तो सुखा हुआ है, जान रहा है कि जो नीति से सरकार काम करने जा रही है उसमें कितना दिन टाइम है, सबको पता है, सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब समझदारी समझ में आ रहा है, अब हड़बड़ी नहीं हो रहा। कल तक सब लोग को हड़बड़ी था, अब हड़बड़ी खाई दे रहा। अब तो लग रहा है कि बाप रे बाप, कि 2 साल लेके जाएगा कि 4 साल लेके जाएगा। लड़िए आपस में, लड़िए, दोनों आदमी को फायदा मिल रहा है, मिलेगा। तो सर सीटेट एक्ट केस में जो आगे तारीख मिली है फिर से आपकी टीम, कोर्ट टीम तो वैसे देखा जाए तो जी तोड़ मेहनत कर रही है सचिवालय से लेकर के और कोर्ट तक। तो देखिए, जबकि हम एक चीज आपको बता रहे हैं, हम हमारी कोर्ट टीम हो या हम हो या हमारे जो भी संगठन के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी, अभी तक रात दिन मेहनत करके और इस मुकाम तक हम लोग लाए हैं। और यही कारण है कि आज भी हम लोग केस को बहाली को बचाने के लिए ही हम लोग केस में इंटरवेन करके हम लोग चंदा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं या किलो भी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग अगर इतना तत्पर होकर के नहीं करते तो आज हमारी बहाली नहीं बचती। आज भी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे कोर टीम में कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के आपस में जो बंटवारा कर दिया गया, किसी के द्वारा किया गया हो, उसमें बहुत परिश्रम परिश्रम लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो सब कुछ जानते हुए भी उनको लगा कि ना हम फलाना को पकड़ लेंगे तो हमारा काम ही सफल हो जाएगा। तो कहाँ सफल हो गया, निकल जाना चाहिए था काउंसलिंग करके, क्यों नहीं निकला। अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है कि भाई ये लोग कर ही नहीं रहा मेरे लिए, तो जिसको पकड़े तो वो तो कम से कम आपको निकलवा देना चाहिए था, काहे नहीं निकला। हम ही पूछना चाह रहे हैं जी, जब हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो जो कर रहा है हम ये, और आपको वो क्या करेगा। 2012 से तो हम देखे हैं सब लोगों को, बढ़िया से जानते हैं क्या करेगा। वो लोग केस करवाएगा, उसको तो अपना खुद नौकरी नहीं होगा जी, तो आपका भी नहीं होने देगा। केस करके मामला को फंसाएगा, बहाली को डिस्टर्ब करेगा, उसी को आप लोग रही मान रहे हैं, उसी का नेतृत्व करने के लिए आप लोग कर रहे हैं, वही नेतृत्व करेगा। वही मेरे लिए ही पैसी हो गया जी, सबका ही पैसी छूट जाएगा, सब लोगों को समझ माता चौर से भाव मालूम हो जाएगा, घबराइए नहीं। तब तू कहिएगा कि ना ना अब एक जगह हम लोग होंगे, वो भी समय आएगा जी। जी नहीं, बार बार आप यही कहते हैं कि सभी को एकजुट रहना चाहिए, एकजुटता से एक मंच पे आना चाहिए। एकजुट होकर के आज तक बिहार में हम लोग 10 जून 2019 को पहली बार बिहार के एकदम नक्शा बदल दिए थे। हम लोग बिहार के सारे प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक हिल गए थे। तो क्यों हिल गए थे, जब एक मंच पर सब लोग एकता का परिचय दिया था। आज भी वही चीज होगा, तभी जाकर के सरकार करेगी, चाहे वो काउंसलिंग का टेस्ट निकालना हो, चाहे नियुक्ति पत्र देना हो। समझना नहीं चाहता, इधर दो भाग और बांट दिया, एस्टेट मैरिट, इधर एस्टेट नॉट इन मैरिट। वही तो सरकार के काम है, आपस में बात करेगा। और वो सब चूंकि देखिए एस्टेट का जो मैटर है उस पर हम एक शब्द नहीं बोलना चाहते हैं, और जिस दिन हमको बोलना होगा उस दिन हम डिबेट में बोलेंगे। जो ज्यादा आजकल हितैषी लोग बने हुए हैं वो हम उनके साथ डिबेट आएंगे और उनका एक एक सवाल का जवाब हमारे पास होगा, लेकिन हम उन चीजों का भी नहीं बोलना चाहते हैं, समय आने दीजिए जी। तो सर अभी सुनवाई 4 तारीख को है सीटेट एक्ट केस की जी। जी 4 तारीख को डेट है। अब उसमें एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, चूंकि उस दिन वीडियो नहीं बना था और उस दिन हम विशेष रूप से इन चीजों पर चर्चा भी नहीं करना चाह रहे थे, तो मैं एक चीज उसमें बता रहा हूँ कि जो अमनुल्ला जी का जो तबादला की जो बातें चल रही है वो सरकार के द्वारा अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। सरकार के द्वारा शायद उसका कुछ शायद उसका परमिशन वगैरह होता है, वो शायद नहीं हुआ है। तो इसमें अभी 1 या 2 तारीख को ये पता चलेगा कि किसके बेंच में होगा, अभी बेंच तय नहीं हुआ है। बेंच तो आपको पता होगा कि मानों को अभी नहीं बोलना चाहते हैं, समय आने दीजिए जी। तो सर अभी सुनवाई 4 तारीख को है सीटेट एक्ट केस की जी। जी 4 तारीख को डेट है। अब उसमें मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, चूंकि उस दिन वीडियो नहीं बना था और उस दिन हम विशेष रूप से इन चीजों पर चर्चा भी नहीं करना चाह रहे थे,
तो मैं एक चीज उसमें बता रहा हूँ कि जो अमनुल्ला जी का जो तबादला की जो बातें चल रही है वो सरकार के द्वारा अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। सरकार के द्वारा शायद उसका कुछ शायद उसका परमिशन वगैरह होता है, वो शायद नहीं हुआ है। तो इसमें